जय बद्री मिसाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और दोस्तों अभी फिलहाल मॉर्निंग की और 6:30, तो सकल से तो पता चल ही रहा होगा। अभी 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 उठी बस, मैंने अभी चाय पी। तो आज बना रहे हम आलू के पराठे, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया। कभी कभी तो कुछ होता नहीं है ब्लॉग में बताने के लिए, इसलिए मैं लेट में शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं बनाती हूँ सुबह का नाश्ता, बने रहे आप हमारे साथ ब्लॉग में। सो दोस्तों, यहाँ पे चूल्हे में रखे हुए आलू उबालने के लिए अभी तो टाइम लगेगा इनमें, तब तक मैं आटा गूंथती हूँ। यहाँ देख सकते हो आप कितना सारा आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, तो इसलिए पराठे भी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करती हूँ पराठे बनाना। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इतना सारा आटा भी गूंथ लिया है, और यहाँ पे आलू को अच्छे से उबाल के, उसको आलू को अच्छे से छीन के और अच्छे से मैश करके इसका मसाला भी बना दिया है। तो अब जल्दी जल्दी बनाती हूँ मैं चूल्हे में आलू के पराठे। तो अभी मुझे आग जगानी है, अच्छे से तवा रखना है, तो पराठे बनाती हूँ, बने रहे आप हमारे साथ ब्लॉग में। दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और तीन बन गए, चार बन गए थे, तीन ये एक, ये दोनों खा रहे हैं। यहाँ पे देखना कैसे हो रहे, मस्त हो रहे, मस्त एकदम मस्त। और अभी यहाँ बन रहे हैं मेरे पराठे चूल्हे में, आग देखना ना ना कम कम आग में सही है, वरना जलते हैं वो। और अभी फिलहाल बनाने पे लगी हुई हूँ परांठे। दोस्तों यहाँ पे देखना मैंने कितने सारे परांठे बना दिए हैं, आप देख सकते हो। अभी मुझे इतने और बनाने, यहाँ देख सकते हो मसाला कितना बच रखा है, आटा कितना बच रखा है, और अभी बन रहे हैं यहाँ पे परांठे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे परांठे मस्त बन गए आलू के परांठे। यहाँ पे आग थोड़ी कम कम इसलिए कर रखी है ताकि मतलब पक जाए अच्छे से और जले ना, आज क्योंकि ज़्यादा आग करती हूँ ना तो जल्दी से जल जाते हैं, इसीलिए तभी यहाँ पे परांठे बन रहे हैं। और देख सकते हो आप इतने सारे परांठे बना दिए, अभी और बनाने हैं। और आपको बताऊँगी जब ना मैं सबको दूंगी, इस पर कुछ भी नहीं बचेगा, देखना ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे लगे परांठे खाने पे, ये देख सकते हो मैंने कितने परांठे बनाए, किसी ने तो खा लिए परांठे, वैसे हम चाय का इंतजार कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एक अपने लिए सूखा होने के लिए रखा हुआ है, बहुत क्रिस्पी करूंगी इसको, बहुत ज्यादा क्रिस्पी सा परांठा। सो दोस्तों अभी फिलहाल हमारा नाश्ता भी हो गया है, बट मुझे अभी गेहूं फैलाना है चौक में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे गेहूं फैला दिए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब थोड़ा सा बर्तन धोते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे बर्तन धोने के बाद। आज इनको आज घाम सुखाने के लिए इसीलिए रखा, क्योंकि आज इनको हम कूटेंगे। सो दोस्तों अभी फिलहाल दिन के हो रहे हैं, 2 बज गई हैं, और आज मुँह भी नहीं धोया सुबह से, पहले काम किया उसके बाद अभी थोड़ा आराम किया, और अभी फिलहाल हम गेहूं कूटेंगे। और सो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे गेहूं इकट्ठे हो रहे हैं, और ये डंडा है जिससे कि हम गेहूं को कूटेंगे। और दोस्तों अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलती हूँ आपसे सीधे नहाने के बाद। यहाँ बहुत भयंकर धूप हो रही है, आँख बंद हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने गेहूं कूटे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, इसलिए मैं सोच रही हूँ नहाने जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ नहा के, और चाची यहाँ लगी हुई काम पर ही, क्योंकि हवा ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अभी फिलहाल मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे इससे गेहूं छांगने, मतलब गेहूं नीचे चले जाते, जो कबाड़ा रहता है वो इसके ऊपर रह जाता है। चाची यहाँ लगी हुई अपने काम पे। सो दोस्तों अभी फिलहाल हम हो रहे खेत तैयार, क्योंकि हम जा रहे गांव खाना खाने के लिए, दिन के 4:30 बजे जा रहे खाना खाने के लिए। और क्या बोलूँ मैं, हमने सोचा खाना खाने बोलने के लिए तो आए थे, बट हमने सोचा रात को होगा खाना। अभी कॉल आया दादाजी का गांव से, खाना खाने के लिए आ जाओ कि। तो अभी जल्दी जल्दी बाल बना रही हूँ, मेरे बाल तो गीले भी हो रखे थे क्योंकि मैं नहाई थी, तो बाल गीले हो रखे हैं। तो फ्रेंच बना रही हूँ फिलहाल मैं अभी अपनी, और
अंदर पे इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि चाची लगा रही है ताला। अब जब लेट होती ना तब बाल बिल्कुल भी नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे बन रखे हैं। तो जल्दीबाजी में बनाए मैंने ये बाल और अभी हम जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि आज हमारे आने वाली है डोली, मतलब कि जिनके यहाँ डोली आ रही है वो क्या बोलते हैं वो आज मतलब पूरे गांव वालों को खाना दे रहे हैं। और डोली इसीलिए आ रही है क्योंकि परसों कहीं मेला है, तो मतलब हमारे मैंने परसों मतलब आपको पिंडरों दिखाया था जहाँ की नदी थी, मैंने बोला था आपको कि हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से डोली आती है नहाने के लिए, स्वच्छ होने के लिए। तो वहाँ मतलब आज आ रही है डोली उनके यहाँ अभी, और कल सुबह जाएगी डोली वहाँ नहाने के लिए, तो आपको ज़रूर बताएंगे। विश्वनाथ की डोली आएगी हमारे यहाँ, तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गाँव खाना खाने के लिए। अब पी क्योंकि सुबह से काम करने पे लगे हुए थे चाची सब, और सबने तो खा लिया खाना बट चाची और मैंने 4 बजे खाया आज खाना अभी, बल्कि तब तक कॉल आ गई। तो मतलब सब जाते हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं गाँव में खाना खाने के लिए, खाएंगे नहीं बट ऐसे जा रहे हैं शामिल होने। दोस्तों यहाँ देखना बर्तन लेके जा रहे हैं हम क्योंकि खाना, ये इस पे देख मसाला पड़ रखा, ये मसाला तो अपने खाने के लिए लेके जा रही। थाली भी लेके जा रहे हैं, जो कुछ मन करेगा वो खाएंगे क्योंकि वो एक तरीके से आप भगवान का प्रसाद ही समझ लो क्योंकि डोली आ रही है और तभी वहाँ के लोग दे रहे हैं खाना। तो अभी जा रहे हैं हम गांव खाना खाने के लिए क्योंकि मैंने ना अभी अभी टाइम देखा और टाइम हो रहा है 5:30 होगी, तो हम 5:30 बजे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ऐसे तैयार हो रहे थे तो टाइम बहुत लग गया, मैंने सोचा अभी 4:30 ही होंगी और ही होंगी, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी जल्दी जल्दी गाँव जाते। पीछे से चाची भी आ रही है, आगे से ये लड़की चली गई। दोस्तों यहाँ पे देखना दादी और भी आ गई अपने घर से, और ये तो यकीन ही नहीं कर रही थी, ये खेत में जा रही थी, देख सकते हो इतनी छोटी सी लड़की खेत में जा रही थी काम करने के लिए, हमने बोला चल खाना खाने, यकीन ही नहीं कर रही थी ना वो उसने सोचा मजाक कर रही उसके साथ बट सच में बोल रही थी चलो। दोस्तों यहाँ पे देखना कोई कोई लोग आ रहे खाना खाने, कोई कोई चले गए खाना खाने। यहाँ पे देखना सबके सब बैठ के खाना खाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मेरी बुआ जा रही है पानी लेने के लिए, जल्दी लेके आइयो, नहीं बैठेगा कोई, जल्दी लेके आ। दोस्तों यहाँ पे देखना भी यहाँ पे पिठाई लगाई जा रही है सब पे, ओए लिखाफे कहाँ है। मजाक कर रही, लिफाफे नहीं मिलते बस पिठाई लगाई जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले मिला सूजी का हलवा, उसी का फेवरेट सूजी का हलवा। दोस्तों हम घर जा रहे हैं, देखना नीचे से भैंस आ रही है और हम कैसे रास्तों से जा रहे हैं घर, भाई ये पत्थर तो हिल भी रहे हैं। चल सो दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए घर खाना खा के, मन तो नहीं कर रहा था खाना खाने का बट थोड़ा बहुत खाया क्योंकि वो था प्रसाद, क्योंकि मतलब जैसे डोल जिनके यहाँ डोली आ रही थी तो एक तरफ से प्रसाद ही समझ लो। अभी फिलहाल हम पहुँच गए घर और यहाँ पे देखना मम्मी और सब आ रखे हैं। दोस्तों चाची गई थी अपने मायके और वहीं से अपनी नानी और के यहाँ भी गई थी क्योंकि चाची की नानी का, चाची की नानी और मम्मी की नानी दोनों की नानी एक ही है और उनका था श्राद्ध। तो देखना क्या क्या मिला चाची को, मिल रखा है यहाँ पे सूट, सूट मिल रखा है यहाँ पे और दो दो सूट, कहाँ से, दोनों जगह से। अच्छा चाची शादी में गई थी, हल्दी थी वहाँ, वहाँ ये वाला सूट मिला और जहाँ श्राद्ध था इनकी नानी का वहाँ ये वाला सूट मिला। कलियों भी मिल रखा है, लड्डू दिखा, लड्डू के डब्बे देखना यहाँ पे, ये लड्डू के डब्बे, एक ये तीन जा रखे थे ना, हम तो तीनों को मिले एक एक डब्बे, तीन तीन लड्डू के डब्बे मिल रखे, तीन कौन कौन, दादी को मिला, चाची को तो दो मिले। अच्छा अच्छा, इनको यहाँ कलियों मिल रखा। दोस्तों यहाँ पे देखना चाची और मैंने कितनी सारी रोटी बना ली है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे चूल्हे में बनाई जा रही है रोटी।